Hello everyone, welcome to Economics by Avisha and Arpita. So in this lecture series of microeconomics, we are studying increasing cost industry. I have already put a video on constant cost industry in which I have shown how what is the shape of the long run industry supply curve. So ab increasing cost industry ke andar kaisa hamara long run industry supply curve hota hai. So this is market ka demand or supply curve banega jisme, and this is firm. So in this case demand is this, supply is this. Demand increases kisi bhi reason se increase ho sakti hai. Demand agar hamari increase ho rahi hai matlab income badh gayi hai, price of the related good badh gaya hai, तो हम इस गुड की ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं. तो जब डिमांड इंक्रीज़ होता है तो प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है और हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है. प्राइस भी इंक्रीज़ हो गया, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है. तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, दिस वाज द ऑप्टिमल. तो अगर प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया लॉन्ग रन में, दिस इज़ द पॉइंट. तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. न्यू फर्म्स एंटर करने लग जाएंगे क्योंकि उनको दिख रहा है प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो रहा है. तो जब प्रॉफिट इतना ज़्यादा होता है, न्यू फर्म्स एंटर करने लगती हैं, तो डिमांड कर्व भी हमारा, डिमांड फिर इनपुट की, जब इतनी सारी फर्म्स आ जाएंगी तो डिमांड इनपुट का बढ़ जाएगा. जब डिमांड बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ जाता है उन्हीं इनपुट्स का, तो एसी जो है, दिस इज हमारा जहाँ पर ये मीट कर रहा था, दिस वाज आर प्राइस वन, और यू कैन से ऑप्टिमल पे जो प्राइस वन है, दिस इज, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा एमआर एंड पी एंड डिमांड कर्व इज द सेम थिंग, एंड दिस इज वेयर आर एसी कर्व इज, एंड दिस इज वेयर वी सेट आर क्वांटिटी एज वन. सो जब प्राइस हमारा बढ़ गया इस केस में, तो प्राइस जब बढ़ेगा तो हमारा एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रहा है, एवरेज कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस. तो जब प्राइस बढ़ गया हमारा एवरेज कॉस्ट भी बढ़ गया, एज यू कैन सी योर एवरेज कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस. तो उसकी वजह से एवरेज कॉस्ट किसका, इनपुट का भी बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया उस डिमांड फॉर द इनपुट्स का, तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ गया. जब हमारा एवरेज कॉस्ट बढ़ता है तो हमारी सप्लाई न्यू इंडस्ट्रीज कर रही हैं, बट सप्लाई कर्व का जो हमारा कॉन्स्टेंट इंडस्ट्री कर्व के अंदर जो इंक्रीज था, दैट वाज दिस मच, इसके अंदर हमारा इनपुट का भी कॉस्ट बढ़ गया, तो इतनी ज़्यादा जो सप्लाई है वो नहीं होगी, सप्लाई वुड नॉट बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड जितना डिमांड का मैग्नीट्यूड था, supply would be less. तो in this case जो हमारा long run के अंदर जो curve होगा, this would look like this, positive sloping. So this would be our long run industry supply curve, this would be positively sloping. So this was all about increasing cost industry. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to Economics by Vishwan Arpita. Next lecture में I'll be covering decreasing cost industry. Bye-bye.